अपने देश में दुनिया में बहुत क्रांतियां हुई हैं और मैं एक आज विशेष आपसे साझा करना चाहता हूं इस बात के लिए कि एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं। और पानी निरंतर कम होता जा रहा है, एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। तो इसी के लिए कई चीजें हमने की हैं उसके अंदर, जैसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज उसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 एसटीपीज लगाए हैं और इसका लगभग 700 क्यूसिक पानी ये हम इसको दोबारा से उपयोग कर रहे हैं। पानी जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। जो पुरानी झीलें हैं और तालाब हैं उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है। लगभग 8000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं, लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। 1 किलो चावल उगाने में, उसको पैदा करने में 3,000 लीटर पानी लगता है। क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी, हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। एक दूसरा तरीका पानी को बचाने का हो सकता है, डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4,000 रुपए प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर, इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं, अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे। तो जल ही जीवन है जैसा कहते हैं, तो जल ही जीवन के नाते से पानी को बचाना, अगली पीढ़ी के लिए पानी हमारा ठीक से हमें मिले, इस एक संदेश के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।